नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सफर में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है साधु कौन होते हैं और किस प्रकार आप एक साधु को पहचान सकते हैं। हम लोगों ने आखिरी सफर में बात किया था कि मुनि कौन होते हैं जो मौन धारण करते हैं। उसी तरह साधु शब्द की उत्पत्ति साधना से होती है। जो साधना करते हैं वो साधु कहलाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि साधना करने का मतलब कि समाज का त्याग कर साधना करने वाले जो हिमालय पर चले जाते हैं वहां जाकर साधना करते हैं, तो ये अधूरा सत्य है। दोस्तों, एक साधु समाज से हटकर एकांत में साधना करके भी बना जा सकता है, मगर कई बार समाज के अंदर रहकर किसी विषय की साधना करने को भी साधना कहा जाता है और उसको साधु कहा जाता है। जब कोई इंसान किसी विषय पर साधना करता है, उस विषय पर विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो साधु कहलाता है। संस्कृत में साधु शब्द को सज्जन व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि हमारे समाज में सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं। सज्जन वो है जो समाज के काम आता है, सज्जन वो है जो अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से समाज का उद्धार करता है, वो साधु कहलाता है। एक किताब है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक श्लोक है, साधनोति परकार्यमिति साधु, मतलब जो दूसरों का कार्य करते हैं वो साधु कहलाते हैं। हमारे समाज में अगर आप पहले की भी किताबें उठाकर देख लीजिए, चाहे आप भगवद गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, आपको हमेशा एक बात समझ में आएगी कि इस समाज ने कई सारे साधु दिए, कई सारे सज्जन व्यक्ति दिए, और उसी तरह इस समाज में कई सारे दुर्जन व्यक्ति भी आए। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिनको शक्ति मिली वो दुर्जन बन गए, मगर कई बार ऐसा भी हुआ जिनको शक्ति मिली और वो सज्जन बन गए। तो समाज में हमेशा से ये रहा है, और इसीलिए सज्जन व्यक्ति को साधु कहा गया। पहले के समय में क्या होता था, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक मान लीजिए साधक है, वो साधना कर रहा है, और उसकी साधना को भंग करने के लिए राक्षस ना जाने कितने तिगड़म लगाते थे। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और कही गई है साधु के बारे में, आत्मदशा साधे, जो अपने आत्मा की दशा को साधता है वो साधु कहलाता है। जो साधना करते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर ज्ञान को निर्हित करता है, जो अपने अंतर ज्ञान को समझता है, जिसको बाहर से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे साधु कहा गया है। और साधु में ये 6 दुर्गुण आपको नहीं मिलेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। तो कई सारे सज्जन हैं जो हमारे समाज में जो साधु कहलाते हैं, जिनके अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, जो आत्ममंथन करने में विश्वास रखते हैं वो साधु कहलाते हैं। तो उम्मीद है आज का सफर आप लोग को पसंद आया होगा। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।